खम्मा खड़ी एवरीवन, मैं हूँ किरण राठौर और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका किरण राठौर व्लॉग्स में। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बस मैं आपको बताने वाली हूँ कि राजपूती प्योर के ओढ़ने को या शिफॉन के ओढ़ने को हमें कैसे ओढ़ना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राजपूती ओढ़ने को किस तरह से ड्रेप किया जाता है। पोशाक की ओढ़नी में जो कि चार कोने होते हैं उनमें से एक में सबसे ज़्यादा वर्क होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आगे आता है। इसके अलावा ये किरण जो होती है वो जो पार्ट है जो आगे आएगा उसमें पूरे में लगी होती है, इसे हम जवारे भी बोलते हैं। और जो दूसरी साइड है, जो दूसरा पार्ट है, उसमें ये किरण या जवारे हाफ में लगे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये हाफ खाली है और हाफ में ये किरण लगी हुई है। तो ये वाला पार्ट आएगा हमारा नीचे की तरफ, जो हम प्लीट्स में लेंगे। जब आप इस पार्ट की पहचान कर लें कि कौन सा पार्ट सर पे आएगा और कौन सा नीचे की साइड आएगा, तो उसके बाद लुगड़ी को इस तरीके से, जो ये हैवी वाला है, गोल घुमा के सर पे से आगे की तरफ ले लेंगे इस तरह से। आपको जितना आगे रखना है उसके हिसाब से आपके सर पे रखते हुए आप मेजर कर ले। और इस साइड से आप पिनअप भी कर सकते हैं अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो, ऐसे भी। बट ऐसे लुगड़ियों को रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कॉटन की फिर भी रुक जाती है, शिफॉन जॉर्जेट वाली जो होती है वो नहीं रुकती है, प्योर या सेमी प्योर वाली। तो इसलिए पिनअप करना ही बेटर है, ऑप्शन है। तो इसलिए मैंने ये पिन ली है। इसमें आप कोई बटन लगा के या पेपर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये आपकी लुगड़ी को या पोशाक को फाड़े नहीं। मेरी इस पोशाक में, जैसा कि पूरे में चारों तरफ लेस है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हैवी वर्क वाली पोशाक होती है तो वो पिन की वजह से फट भी सकती है, तो उसमें थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये मैंने पिनअप करने के बाद अपने सर पे ले लिया है जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से। और जो बाकी पार्ट बचा हुआ है उसको मैंने ये 3/4 वाला पार्ट फोल्ड किया है और इसकी अब मैं प्लेट्स बना के आगे टक इन कर लूँगी। इसमें प्लेट्स वैसे ही बनती है जैसे कि आप साड़ी में बनाते हैं, तो उसी तरह से लगभग 2 या 3, मैक्स टू मैक्स 3 प्लीट्स आती हैं, इतनी इसकी लेंथ होती है। तो इस तरह से आप प्लीट्स अच्छे से बना के और फिर इसको आप टक इन कर लें। ये ऐसा कुछ लुक आएगा ये, और अच्छे से सेट कर लें इसको। और ये आपका जो प्लीट्स है वो पूरी अच्छे से सेट हो गई हैं और आपका जो वर्क वाला पार्ट है और किरण है वो अलग ही आपका नज़र आते हैं। अब ये तो हो गया, अब ऊपर वाले पार्ट का क्या करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि आपने पिन नहीं लगाया, और ऐसे ये भी लुक बहुत अच्छा लगता है, पिक्स वगैरह में बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं बिकॉज इसको संभालना और कोई भी फंक्शन अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी एक आइडिया है। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे हाथों पे अपना ये लेके ऐसे फोल्ड करें, छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए जाएं और जितना आपको रखना है उतना रख के ये पार्ट कंधे पे रख लें, लुगड़ी को थोड़ा सा आगे खींच लें ताकि अगर आपको घूंघट निकालना हो तो वो पिन की वजह से खींचे नहीं और आप कंफर्टेबल रहें और फटे भी नहीं, इस तरीके से। अब आपने ये अपने कंधे पे रख लिया है प्लीट्स बना के, ये सेमी यू टाइप इसका शेप आता है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे आपके कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर थोड़ा सा अपनी लुगड़ी को रखें ताकि वो डिज़ाइन भी दिखे, और यहाँ पे ये खींचे नहीं ओढ़ना वरना फट भी सकता है। तो इसे भी आप पिन से सिक्योर कर लें ताकि ये भी बार बार नीचे नहीं गिरे और आपको संभालना नहीं पड़े और एक पूरा आपका लुक सही से बैठे। ये नहीं कि आप लुगड़ी को बार बार संभाल रहे हैं, तो आप इस साइड से बिल्कुल फ्री होके अपना प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। तो ये आप रेडी हो गए हैं, इस तरीके का लुक आएगा। तो पिन लगाने से प्रॉपर ये है कि आप प्रॉपर डांस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को प्रॉपरली इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप ये लुगड़ी को भी सिक्योर करना चाहते हैं तो इसे भी आप पिन से सिक्योर कर सकते हैं। बस लुगड़ी का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है पिन लगाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डेलिकेट होता है तो फट सकता है।
तो थोड़ा सा आप अपने रिस्क पे ही लगाएं, या फिर जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो उसे देखते हुए वहाँ से लगाएं। बस अब हो गए आप रेडी, आपका लुगड़ी भी इधर से उधर कहीं नहीं जाने वाला है और ये लुक भी बहुत अच्छा लगता है। आप बिल्कुल फ्रीली होके अपना कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मैं आगे भी इसी तरह से फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड उन्हें देखिए। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। आपके जो भी सजेशंस होंगे उनको ध्यान में रखते हुए मैं आगे और अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती रहूँगी। धन्यवाद।